नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। नाबालिग का हाथ पकड़कर कहा आई लव यू, मुंबई पॉक्सो कोर्ट ने सुना दी 2 साल की सजा आरोपी को। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला मुंबई से सामने आ रहा है, जहां पर पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई एक आरोपी युवक को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़की को हाथ पकड़कर आई लव यू बोल दिया था। और ये पूरे मामले की शिकायत नाबालिग की मां ने तुरंत थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद ये पूरा मामला अब इस पर कार्रवाई हो रही है। पहले आपको क्या ये पूरा मामला है वो बता देते हैं। दरअसल पीड़ित पक्ष के मुताबिक जो घटना है वो 2019 की है, जब लड़की कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली हुई थी और इसी दौरान एक युवक उसका लगातार पीछा कर रहा था। 19 साल का ये लड़का था जो कि उस नाबालिग का पीछा कर रहा था, और मौका पाते ही उस लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोल दिया। डरी सहमी भागती हुई रोती बिलखती हुई लड़की अपनी माँ के पास गई और उसने इस पूरे मामले की जानकारी अपनी माँ को बताई, शिकायत कराई, तो माँ ने लड़की के साथ थाने में जाकर साकीनाका पुलिस थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी उस युवक के खिलाफ, 19 साल के लड़के के खिलाफ। युवक ने आरोपों को झूठा भी बताया, कहा कि उसका लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, घटना के वक्त उसने मिलने के लिए बुलाया था और इस वजह से वो गया हुआ था। मामले में लड़की समेत उसकी मां ने 4 गवाहों से पूछताछ, लड़की की मां और लड़की समेत 4 गवाहों से पूछताछ हुई थी। अब ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया था, तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लड़के पक्ष से जब पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने किसी पुराने एक मामले का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी लड़की से बातचीत कर लेना कोई गुनाह नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए, जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, इस पर पॉक्सो कोर्ट ने साफ कहा है, घटना गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। मुंबई की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग लड़के का हाथ पकड़कर आई लव यू कहने पर 2 साल की सजा सुना दी है। दरअसल जस्टिस अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी के शब्द 14 वर्षीय नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बरी करते हुए कोर्ट ने IPC के तहत सजा सुनाई है। ये पूरा मामला आपको एक बार बता चुके हैं, और इसके बाद आप ये देखिए कि लड़के पक्ष की तरफ से, जो आरोपी लड़का है उसके पक्ष की तरफ से कहा गया था कि लड़की खुद आई थी मुझसे बात करने के लिए, हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की खुद आई होती आपके पास बात करने के लिए, आपका प्रेम प्रसंग चल रहा होता, तो आपका हाथ पकड़कर आई लव यू बोल देने से वो लड़की इतनी डरती नहीं, डर के कारण वो रोती अपनी माँ के पास नहीं जाती और उस पूरी घटना की जानकारी वो अपनी माँ को कभी नहीं देती, अगर आपका प्रेम प्रसंग आप उस लड़की के साथ चल रहा होता। जाहिर सी बात है, 14 साल की नाबालिग है, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, लेकिन उसे ये पता था कि कुछ ना कुछ गलत है, तभी वो रोती हुई अपनी माँ के पास गई और उस पूरी घटना की जानकारी उसने अपनी माँ को दे दी। जब इस मामले में सुनवाई हुई, तो जस्टिस अश्विनी लोखंडे ने कहा कि जो आपके शब्द थे वो उस लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं, और इस वजह से पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को 2 साल की सजा सुना दी है। यानी कि नियम बहुत ही सख्त हो चुके हैं। एक बार आपको क्या पॉक्सो एक्ट है, क्या है ये, क्या क्या इसमें प्रावधान है वो बता देते हैं। दरअसल 14 नवंबर 2012 से देश भर में पॉक्सो एक्ट लागू है। 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर होते हैं। यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा जुर्माने का प्रावधान है। कानून पूरे भारत में लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी कि बिल्कुल भी पब्लिक और मीडिया से दूर रहता है, ये पब्लिक और मीडिया के बीच में ये पूरा मामला नहीं आता है। कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया जाता है, यानी कि अगर आपको फिजिकली के अलावा कोई ऑनलाइन, जिस तरीके से ऑनलाइन आपको हैरेस किया जाता है या गलत तरीके से मैसेजेस किए जाते हैं, गलत वीडियोस भेजे जाते हैं, फोटोज भेजे जाते हैं, या ऑनलाइन आपको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, सारे मामले इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। तो ये पूरा मामला जब सामने आया है, तो इससे स्पष्ट हुआ है कि आप अगर किसी भी नाबालिग लड़की को कुछ गलत बोलते हैं और उसका वो विरोध करती है, आपके साथ उसके कोई रिश्ते नहीं हैं और लगातार इसके विरोध के बावजूद आप से जबरी बात करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लागू हो सकता है। ये पूरा मामला मुंबई का है, जहां पर सिर्फ हाथ पकड़कर आई लव यू बोल देने के बाद कोर्ट ने कहा कि गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं आपके शब्द, नाबालिग लड़की की गरिमा को, और इस वजह से 2 साल की सजा भुगतनी होगी। संभल कर रहिए, सतर्क रहिए।